माता मरियम को समर्पित मई के महीने के 16वें दिन हम देखते हैं यीशु का मंदिर में पाया जाना। मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 49। यीशु 12 वर्ष के हो चले थे। प्रत्येक प्रौढ़ यहूदी का कर्तव्य था कि वह यरूशलेम में 3 वार्षिक उत्सवों में भाग ले। ये धार्मिक उत्सव थे पास्का, पिंतेकोस्त और शिविर उत्सव। देश की रीति के अनुसार यीशु के माता पिता भी पास्का पर्व के अवसर पर यरूशलेम की यात्रा पर चल पड़े। यीशु भी उनके साथ था क्योंकि 12 वर्ष का बालक धर्म विधान के प्रति उत्तरदायी होने के योग्य समझा जाता था। नाजरेत से यरूशलेम की यात्रा में लगभग 100 मील की दूरी तय करनी थी जो 3-4 दिनों में पूर्ण होती थी। यीशु, मरिया और योसेफ यरूशलेम पहुंच गए। जब बालक यीशु ने इस दिन वहां के विशाल मंदिर में प्रवेश किया तब वह अत्यधिक प्रभावित हुआ, विशेष रूप से मंदिर में मेमने के बलिदान रीति को आज यीशु के ही द्वारा एक विशेष सार्थकता मिलने वाली थी। यीशु ने मन ही मन सोचा होगा, वह दिन दूर नहीं जब मैं स्वयं इस पृथ्वी की वेदी पर एक निर्दोष मेमने की भांति दुनिया की मुक्ति के लिए मारा जाऊंगा, मेरा रक्त बहाया जाएगा ताकि दुनिया के पाप धुले तथा इन्हें नवजीवन मिले। इसी आधार पर मेरा मुक्ति कार्य पूर्ण होगा। यीशु का उद्देश्य मानव जाति के इतिहास में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करना था। मंदिर में पुरोहित यात्रियों को धर्म ग्रंथ पढ़कर सुना रहे थे, साथ ही अर्थ भी समझा रहे थे। आने वाले मुक्तिदाता का वर्णन उपदेश का मुख्य विषय था। यीशु सब सुन रहे थे। उन्होंने उपदेशकों से प्रश्न किए, ऐसे ऐसे प्रश्न जिन्हें एक 12 वर्ष के बालक से उम्मीद नहीं की जा सकती। पुरोहितों तथा श्रोताओं को इन प्रश्नों से बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बालक यीशु की बुद्धिमत्ता पर चकित रह गए तथा उसकी वाक शक्ति और ज्ञान भरी बातों की सराहना करते रहे। यरूशलेम में पास्का पर्व की अवधि समाप्त हुई। योसेफ और मरिया अपने दल के साथ चल दिए। उन्होंने सोचा यीशु भी अपने दल में होगा। यीशु 12 वर्ष के हो गए थे अतः उसकी चिंता अधिक नहीं करनी पड़ती थी। सब अपने अपने घर लौट रहे थे। मार्ग में पता चला कि यीशु उनके दल में नहीं है। वे दोनों फिर यरूशलेम वापस लौटे और वहां की गलियों में अपने प्यारे लाल को खोजने लगे, पर बालक का पता नहीं चला। अंत में वे मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि यीशु विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। मरिया ने यीशु कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु यीशु का कथन उनकी समझ में नहीं आया। पवित्र शास्त्र कहता है,
उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। धीरे धीरे मरिया के हृदय में उन रहस्यमयी बातों का अर्थ प्रकाशित होता गया। अंततः वे तीनों अपने नगर नाजरेत आ गए। यीशु वहीं अपने माता पिता के अधीन रहा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता रहा। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। योसेफ और मरिया ने बालक यीशु का उचित पालन पोषण कर हमारे समक्ष एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया। ईश्वर ने अपनी धरोहर अर्थात बच्चों को अपने हाथों में सौंपा है। अतः कृतज्ञता प्रकट करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उनकी धरोहर के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। उन्हें क्रिस्तीय जीवन जीने की प्रेरणा दें तथा उनके समक्ष उत्तम आदर्श प्रस्तुत करें। प्रत्येक दंपति माता मरिया और संत योसेफ के आदर्श को अपनाएं। दुख या सुख में आपस में प्यार से रहें तथा एक दूसरे की सहायता करें। जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहें। जिस परिवार में ऐसा सुखद वातावरण उपस्थित रहेगा, वहां प्रचुर मात्रा में ईश्वर की आशीषों की वर्षा होगी और परिवार का जीवन सुखमय, मंगलमय एवं शांति बना रहेगा। माता मरिया हमारी सहायता करें। आइए इसी पर आधारित एक घटना को हम देखते हैं। रोम के सम्राट अंतोनियस के समय रोम शहर में एक धर्मी विधवा रहती थी। उसका नाम फेलिसिता था। उसके 7 पुत्र थे जो धर्म शिक्षा में निपुण थे। वे ईश भक्त थे। उनका पवित्र आदर्श देख पड़ोसी अत्यंत प्रभावित हुए और मूर्ति पूजा त्याग कर सच्चे ईश्वर की आराधना अर्चना करने लगे। यह देख अन्य मूर्ति पूजक अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सम्राट से इस बाबत में शिकायत की। यह सुनते ही सम्राट ने फेलिसिता और उसके 7 पुत्रों को कैद में डाल दिया। फेलिसिता अपने पुत्रों के साथ सम्राट के सामने प्रस्तुत की गई। सम्राट ने कहा, फेलिसिता, तुम अपने बच्चों पर दया करो। बच्चों सहित अपना धर्म त्याग कर देवी देवताओं की पूजा करो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगी तो तुम सबको रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही तुम्हारे सब पुत्रों को शासकीय पदों पर नियुक्त किया जाएगा। फेलिसिता ने सम्राट का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। वह अपने विश्वास पर अटल बनी रही। सम्राट क्रोधित हुआ। उसने फेलिसिता को यातनाएं दी, परंतु सब व्यर्थ हुआ। माता का उत्तम आदर्श देख 7 पुत्रों भी धर्म के लिए अपने प्राण अर्पित करने को तैयार हो गए। सम्राट के क्रोध की सीमा न रही। उसने माता सहित 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। ईश्वर के प्रेम में सारा परिवार शहीद हो गया। यह घटना हमें उत्तम शिक्षा प्रदान करती है। प्रत्येक परिवार अपने बच्चों को विश्वास में अटल बने रहने की शिक्षा देता है, साथ ही अपने जीवन में सफलता प्राप्ति हेतु नैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करता है। हम अपना अभ्यास करें, विश्वास में अटल बने रहकर क्रिस्त की साक्षी देने का हर संभव प्रयास करें। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, नाजरेत के पवित्र परिवार के द्वारा
तूने हमें जीवन का एक आदर्श नमूना दिखाया है। हमारी सहायता कर ताकि हमारा परिवार नाजरेत के परिवार की तरह बने, जहां प्यार, प्रसन्नता एवं शांति का साम्राज्य हो। हमारा परिवार धर्मपरायण रहे, हम पवित्र कम्युनियन के प्रति श्रद्धालु बने, स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुशी बांटने में सफल रहें। यीशु मसीह का परम पावन हृदय हमारे हृदयों को मसीह के हृदय के समान कोमल, निर्मल और विनम्र बनाए और परिवार की जिम्मेदारियों को पवित्रता पूर्वक निभा सकने में हमारी सहायता करे। आमीन। आशीष देना ओ मरिया, आशीष देना ओ मरिया, आशीष देना ओ मरिया, आशीष देना ओ मरिया, तेरे हवाले सारी राह है। आशीष देना ओ मरिया, आशीष देना ओ मरिया, आशीष देना ओ मरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, हम अपने को और हमारे सभी प्रियजनों को, विशेषकर जिनके लिए इन वेदों को चढ़ा रहे हैं, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम और असंख्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन वेदों पर मनन, चिंतन और प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियम, विश्वास का गुण हमारे अंदर फलवत होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रिय माँ, भरोसा का गुण हमारे अंदर प्रबल होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रियतम कुआरी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुआरी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा
पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रकाश के वेद, पहला भेद, यरदन नदी में यीशु का बपतिस्मा। प्रभु यीशु लगभग 30 वर्ष की उम्र में योगन से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पहुंचे। इस तरह धर्मविधि पूरी करने उन्होंने उचित समझा, क्योंकि पश्चाताप का बपतिस्मा मसीह के लिए नहीं था। वह बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपूत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला, वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। इस प्रकार आत्मा के सामर्थ्य से संबंध होकर यीशु गलीलिया लौटे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तू पिता का आज्ञाकारी प्रिय पुत्र है, इसलिए पिता की इच्छा पूरी करने और शैतान के कार्य समाप्त करने तूने पिता से पवित्र आत्मा का अभिषेक ग्रहण किया। हे प्रभु, बपतिस्मा प्राप्त सभी लोगों को यह कृपा मिले कि पवित्र आत्मा से संचालित होकर शैतान की चालाकी से विजयी होवे, वे संसार की ज्योति और पृथ्वी का नमक बनकर कलीसिया की सेवा कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। दूसरा भेद, काना की विवाह भोज में यीशु का पहला चमत्कार। गलीलिया के काना में एक विवाह था, यीशु, उनकी माता और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। इस पर माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। प्रभु यीशु के कहने पर सेवकों ने पत्थर के मड़कों में पानी भरा, जिसे यीशु ने बढ़िया अंगूरी में बदल दिया। इस प्रकार यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की और शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, काना के विवाह में माता मरियम के आग्रह पर तूने पहला चमत्कार करते हुए अपनी महिमा दुनिया में प्रकट की। हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा उन परिवारों के लिए तुझसे विनती करते हैं जहां प्रेम, आनंद, शांति की अंगूरी खत्म हो चुकी है। अंधविश्वास, नशा और वासना के कारण परिवारों में अशांति छाई हुई है। सभी दुखित, पीड़ित और टूटे परिवारों में तेरा राज्य और तेरी इच्छा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे,
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। तीसरा भेद, यीशु ईश्वर के राज्य के आगमन की घोषणा करते हैं। योगन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आकर यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। वे घूम घूम कर उनके सभागृहों में शिक्षा देते थे, रोगियों की चंगाई और अवधूतों से मुक्ति चिन्ह एवं चमत्कार द्वारा ईश राज्य की घोषणा की। प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि सब सुसमाचार के सेवक सेविकाओं को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाएं और पापियों को
पश्चाताप के राह दिखाई। सब सुसमाचार केंद्रों और प्रचारकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। चौथा भेद, यीशु का रूपांतरण। प्रभु यीशु प्रार्थना करने पेत्रुस, याकूब और योगन को अपने साथ लेकर ताबोर पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय उनका मुख मंडल सूर्य की तरह धमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए।
शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेत्रुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है, हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। तब तक एक चमकीला बादल उन पर छा गया और बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, ताबोर पहाड़ पर तेरा रूपांतरण महिमा में अनंत जीवन की पूर्वाभास था। पेत्रुस ने उस आनंद शांति में वहां रहना चाहा, लेकिन तू दुख कष्ट क्रूस और मृत्यु से होकर उस महिमा तक पहुंचने के लिए पहाड़ से उतरा। हे प्रभु यीशु, हमें वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बनाइए, ताकि तेरा वचन हमारा रूपांतरण कर हमें सच्चा क्रिस्तीय बना दे। सब पापियों के मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। पांचवा भेद पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने प्रेरितों के साथ पास्का भोजन करने बैठे और उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं। प्रभु ने भोजन करते समय रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इस तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। प्रार्थना। हे स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी प्रभु यीशु, तेरा मांस हमारा सच्चा भोजन है और तेरा रक्त सच्चा पेय। जब हम तुझे खाते हैं तो हम तुझ में और तू हम में निवास करता है और हमें तुझ से जीवन मिलता है। हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए कि हम पवित्र रोटी में तुझे पहचान सके। अंधकरण की परीक्षा करने के बाद योग्य रीति से ही तुझे हम ग्रहण करें। हमारे सभी पुरोहितों के लिए और हमारे परिवारों से बुलाहट के लिए इस भेद को अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है,
धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। प्रणाम रानी, प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा, तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया, आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें, हे पिता, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए आनंद जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अपने हाथों को जोड़कर, अपनी आंखें बंद करके हम कुंवारी मरियम की स्तुति विनती में सहभागी होवे। Hey,
प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। याद कर विनती, याद कर हे परम दयालु कुमारी मरियम, कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की माँ,
मेरी विनती को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया, वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहें। आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज पवित्र रोजरी विंदी किए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। अभिमान कहे यीशु की माता हो, हमारी भी माता।